हेलो फ्रेंड, आगला लेक्चर में आपणे पेलो पाठ पूरो कर्यो हतो। हवे आ लेक्चर में आपणे बीजो पाठ जोवानो छे, जेनुं नाम छे संचालनना सिद्धांतो। जेम आपणे जोई गया हता के संचालन एक विज्ञान है अने संचालन एक कला छे, एटले के संचालन में अमुक विज्ञान जेनी बाबत आवे है अने संचालन में तो कि अमुक कलानी पण बाबत आवे है। अने संचालन है ये 100-100% विज्ञान ही नहीं अने 100-100% कला पण नथी। बे विज्ञान अने कला बेनो शुं हेतु ई के शुभंग समन्वय छे, एटले के बे जोड़ायेलू छे, बेनी थोड़ी थोड़ी बाबत आवे छे। तो आम आपणे हवे संचालन एक विज्ञान है एनो जे एक संचालन सिद्धांत, ज्या विज्ञान होय ई विज्ञानना आगवा सिद्धांतो होय। तो हवे आपणे आ बीजा पाठमां संचालनना सिद्धांतो विशे माहिती मेळवशुं। तो के संचालन ए सदियोथी चाली आवती प्रवृत्ति है। संचालन ए सदियोथी, जेम आपणे जोयुं के ज्यारे मानवीनो उद्भव थयो, कि जयरे सौप्रथम मानवीनो उद्भव थयो तो पोते तो कि जंगल में रहेतो, जेने आपणे आदिमानव कहता बराबर, कि जे जंगल में रहेतो अने एनी एक ज जरूरियात हती, तो कि खोराक अंगेनी जरूरियात। ई समय में पण व्यक्तिओ शुं करता, तो कि समूह में साथे रहता, समूह में साथे रहता। पछी एक जी आखीनी टोळी होय, टोळीनो एक मेन व्यक्ति होय जेने नायक तरीके ओळखवामां आवतो होय, कि जी आखी टोळीनो पोते शुं करतो होय, तो कि संचालन करतो होय। एटले माटे संचालन हे सदियोथी चाली आवती प्रवृत्ति। पछी एमांथी हरवे हरवे बरोबर अमुक शोध थाती गई, चक्रनी शोध करी, आगनी शोध करी बरोबर, खेतीनी शोध थई, एम हरवे हरवे तो कि जी आ मानवीय तो पोते समूह में रहेवा माँडो। धीमे धीमे आ मानवीय में तो कि परिवर्तन आव्युं, अने पछी तो कि छेले जी राजाशाही आवी, तो राजाशाही में संचालन आखा राज्यनुं कोण करतो, तो कि राजा करतो। एटले माटे आम संचालन एक सदियोथी चाली आवती प्रवृत्ति छे। इतिहास पर नजर करता दुनियाना तमाम देशोनी अनेकविध प्रवृत्तिओमां संचालनना तत्व जोवा मळे छे बराबर। इतिहास जो है आपणे, तो इतिहासना जी बताए कोईपण जी देश रही आ बधाय देशने चालवा माटे तो कि सरखा व्यवस्थित संचालननी जरूर पड़े। जेम दाखला तरीके आप उदाहरण जो तो कि तमारा गामनुं संचालन बराबर, तमारा गामनुं जो मैनेजमेंट कोण करतो, तो कि तमारा गामना सरपंच। जी बधी तमने अमुक जी सुविधा होय, तमारा जी बधाय प्रश्नोनुं जी सोल्यूशन होय बराबर, जी रस्तानो कोईपण होय के पाणीनो कोईपण होय के लाइटनो कोईपण जी प्रश्न होय बराबर, कोण सोल्व करशे, तो कि तमारा गामना सरपंच। सरपंचनी पण कामगीरी एक सेना जेवी हतो के संचालन जेवी छे, कि जी तमारा गामनी जी सुविधा न मळती तो सुविधा अपावशे, जी कोईपण प्रश्न होय तो प्रश्ननुं सोल्यूशन पोते लावशे। एटले के इतिहास पर नजर करीए तो जीत बधाय तमाम देशोए, तमाम देशोमां बधाय संचालननी प्रवृत्ति जोवा मळे छे। भारतमां चंद्रगुप्त मौर्यना शासनमां राज्य व्यवस्था अने छत्रपति शिवाजी महाराज समय में युद्ध रणनीतिनी व्यूहरचना में संचालन सारी रीते उपयोग जोवा मळे छे। आपणे जोईए तो कि सौ प्रथम भारत में जी चंद्रगुप्त मौर्यनुं जी शासन हतुं, तो आ शासन में तो कि राज्य कई रीते चलावुं एने लगती आखी माहिती बराबर, जी संचालन आखुं जी आपणे चंद्रगुप्त मौर्यना गुरु कीए तो कि कौटिल्य, कि जी कौटिल्य आखी एक एने पुस्तक लिख्युं हतुं कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में एने लिख्युं हतुं कि आखुं राज्य कई रीते चलावू, तो कि राज्य कई रीते चलावू, तो एक प्रकार संचालन थयुं। एटले कि भारत में आपणे जोईए तो कि चंद्रगुप्त मौर्य में राज्य कई रीते चलावू बराबर, अने छत्रपति महाराज समय में कि युद्धनी रणनीति के ओछा सैनिकों ने सामे आपणा दुश्मनोना जाजा सैनिकों है, तो ओछा सैनिकों की सरखामणी में सामेना जी जाजा सैनिकों है तो पण आपणे युद्ध में जीत मेळवी, तो कई रीते जीत मेळवशुं एनी आखी युद्ध पद्धति अंगे आ बधी बाबत में तो कि संचालनों सारा एवो उपयोग जोवा मळे छे। अनेक संचालन शास्त्रीओ चिंतकों विचारकों ने लेखकों समय समय पर संचालन की अवधारणानुं मूल्यांकन अने पुनर्विचारणा करी नवा नवा सिद्धांतों प्रतिपादन कर्युं छे बराबर। अने घणा बधा जी संचालन शास्त्रीओ होय, लेखकों होय के विचारकों होय बराबर, समय समय एना सिद्धांतों में शुं कर्युं तो कि परिवर्तन कर्युं। पहेलाना समय में तो कि मानवीनी एक ज जरूरियात हती, आदिमानव हतो तो त्यारे फक्त एनी एक ज जरूरियात हती, तो कि खोराक अंगेनी। पछी एमांथी धीमे धीमे बराबर विकास थतो गयो, समय संजोग बदलाता गया, एमांथी पोते तो कि पूर्ण मानवीनी शरूआत थई, तो पूर्ण मानवीनी शरूआत में तो कि अत्यारे आपणे जरूरियात है घणी बधी जरूरियात है, खोराकनी साथे तो कि घणी बधी है, मकाननी है, पाणीनी है, वीजळीनी है, घणी बधी आवी जरूरियात है। तो एम संचालनना सिद्धांतमां पण शुं थयुं तो ई के फेरफार थयो, एटले के समय समये आ बधा जे आपणा विचारको है के लेखको है संचालननुं के मूल्यांकन कर्युं अने पुनर्विचारणा करी अने नवा जे सिद्धांतो है एने रजू कर्या छे। आम संचालनना ख्यालनो इतिहास खूब ज प्राचीन छे अने समयांतरे बदलातो रह्यो। आम
संचालनों जो इतिहास है ये केव हो कि प्राचीन है समय समय एम शू आयु है तो कि परिवर्तन आदिमानवना समय में क्या प्रकार संचालन थतु अत्यार समय में आप क्या प्रकार संचालन कर आदिमानवना समय में जी सिद्धांतों कहवा था अत्यार समय में संचालन सिद्धांतों बराबर समय समय एम शू आयु है तो ये फेरफार थोड़ा के वर्ष में संचालन विचारधाराओ जुदा जुदा अभिगम स्वरूप रजू थती रही है अत्यारना केटलाक समय में आज संचालन आखी एक विचारधारा है एक जुदा जुदा अभिगम में शू थे तो कि रजू करवामां आवी छे फ्रेडरिक टेलर थी लई हेनरी फ्योल गिलब्रेथ मैक्स वेबर चेटर बर्नार्ड पीटर एफ ड्रकर और सीके प्रहलाद जेवा संचालन शास्त्रीओए विविध सिद्धांतों प्रतिपादन द्वारा संचालन सिद्धांतों ने युगानुकूल करवामां महत्वनो फाड़ो आप्यो छे क्या क्या संचालन शास्त्रीय के फ्रेडरिक टेलर थी लई हेनरी फ्योल है पीटर ड्रकर है मैक्स वेबर है अने सीके प्रहलाद आ बधाई जेवा संचालन शास्त्रीय के जे संचालन सिद्धांतों बराबर समय समय एनो शू कर्यो कि अभ्यास कर्यो अने ई समय ने अनुकूल आए ई प्रमाणे ने संचालन नवा सिद्धांतों बनावी अने रजू कर्या छे। हेरोल्ड कुंतजे तो संचालन सिद्धांतों ने जगन तरीके ओळखावे छे कौन तो ये किए हेरोल्ड कुंतज। संचालन सिद्धांतों ने सूई गए पोते तो एक जंगल है कारण के जंगल में हो तो आखू एक गीच वृक्षों घना बधा हो बराबर नाना छोड़वा हो कोई एवं वेला हो बराबर है मोटा मोटा वृक्षों घटादार वृक्षों सब कोई अपना औषधि दवा कोई वृक्षों कोई एवं झेरी वनस्पति घना बधा जी तमें नो विचार करो य प्रकार बधाई वृक्षों नानी मोटी वनस्पति नाना मोटा छोड़ बराबर पशु पक्षी घणु बधु तमने प्राणियों जोवा मळे तो ईज रीते संचालन सिद्धांतों पण एक प्रकार कि जंगल जेवा छे कि तमे एमां जेटलू विचारो जेटली मेहनत करो एटली ओछी पड़े ने जेटलू तमारा संचालन सिद्धांतों जेटला तमे अमल में मूके एमां कंईक ने कंईक थोड़ी थोड़ी खामी तो वाड़ी घरीए रियाज राखे तमारुं गमे एटलू श्रेष्ठ संचालन होय तो पण नाना मोटी एवी झीणी कोईपण जातनी खामी तो रियाज एटले कि जेटलू तमे सारो विचारी अने एनो अमल करो तोय पण संचालन अमुक एवी बाबत खामी पहरी रही जाए चलो माटे हेरोल्ड कुंत शू कहे तो कि संचालन एक प्रकार शू है तो कि जंगल तरीके पोते ओळखावे छे कि एमांथी जेटलू लियो एटलू ओछू पड़े तो आ हती प्रस्तावना बराबर के जी संचालन प्राचीन समय थी चालू हो जयरे मानवी उद्भव थियो त्यारथी संचालन चालू आए बराबर अपने चंद्रगुप्त मौर्य समय में राज्य कई रीते चलाव पछी तो कि महाराणा प्रताप में युद्ध कई रीते जीतू आ बधी बाबत में तो कि संचालन सारो एवो उपयोग थयेलो छे अने समय समय आ संचालन सिद्धांतों है बराबर है बदलावामां आव्या छे अथवा तो परिवर्तन करवामां आव्या छे। हवे जोशो आपणे संचालन सिद्धांतों तो सर्वप्रथम संचालन सिद्धांतों अर्थ जोशो कि संचालन सिद्धांतों संचालकों माटे मार्गदर्शक भूमिका भजवे। संचालन सिद्धांत एक प्रकार की शू होती कि मार्गदर्शक भूमिका कि जी कोईपण व्यक्ति कोईपण क्षेत्र संचालन करवे तो एना आज संचालन सिद्धांत एक प्रकार मार्गदर्शन पूरु पाड़े छे। बाकी बीजू काय छे ने एटले के संचालन सिद्धांतो संचालकों माटे एक मार्गदर्शिका एटले के मार्गदर्शन पूरु पाड़े कि कई रीते संचालन करवुं एना माटेनो मार्ग संचालक ने कोण बतावे छे तो ई के संचालन सिद्धांतों। हकीकत में संचालन सिद्धांतों नियमों नहीं मात्र धारणाओं रूढ़ियों अनुभवों निचोड़ है कि जी आ संचालन सिद्धांत हकीकत में कोई एवं नियम के पुस्तक में कि क्या लखेला नहीं। दाखला तरीके जम कौटिल्य पुस्तक लिखूँ तो अर्थशास्त्र बराबर तो यहाँ अपने एना राज्य कई रीते चलावु एना सिद्धांतों अपने यहाँ लखेला है पर हकीकत में जुआ जाए तो संचालन कई रीते करूँ एना सिद्धांतों कोई कई पुस्तक लखेलू नहीं कि आवा कोई पुस्तकों में क्या नियमों मता नहीं। जी आप बदाय विचारकों है संचालन शास्त्रीय होनों पोता अनुभव है यनी धारणा आ बदी बाबत बराबर एम रजू कर।
जुदा जुदा संचालन शास्त्रीओए जुदी जुदी परिस्थिति में मेड़ेल ताणो अने ते व्यवहारों साबित थया छे। जुदी जुदी परिस्थिति में बराबर तेजी हो तो कई रीते संचालन करूँ, मंदी है तो कई रीते संचालन करूँ, देश में कोई कटौकटी की परिस्थिति है तो कई रीते संचालन करूँ। दाखल तरीके अत्यारे जो है तो अत्यारे कोरोना समय में बराबर है जी कोईपण धंधा उद्योग बताए अत्यारे तो कि फूल मंदी समयगाड़ो है बराबर मार्केट में कि गमिया बजार में तमे जो मड़ो तो एटले बधा बराबर है तमने ग्राहकों की खरीदी वस्तु करे तो एटला तमने बहु जोवा मळता नथी। तो अत्यारना समय में कई रीते संचालन करूँ बराबर तो आ रीते जुदी जुदी परिस्थिति में आ बधाय संचालन शास्त्रीओए पोताना जुदा जुदा अनुभवो अने ई व्यवहारो एटले के एनो अमल करी तो ई साबित थाय एने रजू करेला छे। तेना अमलीकरण थी सचोट परिणाम पण प्राप्त थाय। आ संचालनना सिद्धांतों ने तमे जी संचालन करतो एनो अमल करो तो 100% एम के परिणाम प्राप्त थाय छे। तेथी आ सिद्धांतों धंधाकीय एकम माटे संचालन प्रणालीनो भाग बनी जाय छे। माटे एक आजी संचालनना सिद्धांतों हे ई संचालननो एक प्रकारनो शुं तो के भाग बनी जाय छे कि जी परिस्थिति जी समय आवे तो कई रीतेनुं संचालन करवुं आ सिद्धांतों द्वारा तमने मार्गदर्शन मळे छे। एटले माटे संचालनों एक भाग बनी जाए संचालन सिद्धांतों। धंधाकीय एकम में मानव वर्तणूक ने सानुकूल करने अमुक नियमों सिद्धांतों करवा पड़े। मानव वर्तणूक एटले कि जी जेम आग जुं तो मैं तमने कीधु कि जी संचालन करशे कोण अने थाशे कोना माटे तो कि मानवी अथवा तो संचालनना केन्द्र स्थाने कोण है मानवी एटले शब्द आव्यो कि धंधाकीय एकम में काम करता जी मानवीय है एनुं वर्तन है सारूँ रीए ए माटे अमुक नियमों अने सिद्धांतों घड़ेला है जेथी करीने जे सीधी सरल बने छे आ सिद्धांतों ने संचालनना सिद्धांतों कहे छे। जेम आपड़ा देश ने सरखो व्यवस्थित चलावा माटे जेम आपड़े कायदो घड़ो छे तो कायदो एक प्रकारनो शू है तो ये नियम छे। जेम आपड़ो बंधारण आ बंधारण शू है तो कि बंधारणना जी नियमों बताए है बंधारणना जी घड़ेलो जी कायदो है कायदानुं आपड़े सखत पणे आपड़े शू करी तो कि पालन करी छे कि जेथी करीने आपड़ा द्वारा कोई अन्य व्यक्ति ने नुकसान थाय नहीं सामेवाळो व्यक्ति ने बीजा जी बधाय व्यक्ति देश ना बधाय नागरिको है ये शांति थी व्यवस्थित रही सके एना माटे शू बनावेला छे कि अमुक नियमों अने एना माटे आपणे शू बनावेलू छे कि बंधारण बनावेलू छे ना कायदानुं पालन कोण करावे तो कि जे आपणी पोलीस छे ए आपणा कायदानुं शू करे तो कि पालन करावे छे कि जेथी करीने कोई अन्य व्यक्ति ने बराबर है कोई पण जातनी मुश्किली उठावी पड़े ने एटले माटे धंधाकीय ई ज बाबत सेम आवशे तो कि धंधाकीय एकम में आवशे कि धंधाकीय एकम में काम करता जी मानवी है एनु वर्तन सारू रही एना माटे धंधाकीय एकम में अमुक आपणे नियमों अने सिद्धांतों बनावी छे जेथी करीने आपणा धंधाकीय एकमनी ध्येय सिद्धि केवी बनशे तो के सरळ बनशे। तो आ सिद्धांतों ने शुं कहेवाय संचालनना सिद्धांतों व्याख्या छे लखी नाखजो। अने आ संचालनना सिद्धांतों है तो कि समय समय आ संचालनना सिद्धांतों में आपणे शू करवू पड़े तो कि परिवर्तन करवू पड़े नियमोमां पण शू करवू पड़े तो कि परिवर्तन करवू पड़े। पहेलाना समय में जी संचालनना सिद्धांतों एक प्रकारने केवा हता तो कि नकारात्मक हता कि जो कोई दाखला तरीके कर्मचारी है बराबर एने आववानो टाइम नक्की कर्यो होय कि भाई सवारमां 8 वागे तमारे धंधाकीय एकममां
काम करवा माटे अथवा तो कार्य करवा माटे पहुंची जावानु। जो तमे 5 मिनिट के 10 मिनिट मोड़ा पड़शो तो तमारा 18 दिवस नी के आटला टाइम ना तमारो जी पगार ईसे के वेतन ईसे ईशू करवामां आवशे तो के कापी नाखवामां आवशे का तमारे दंड भरवो पड़शे। आ प्रकारनो एक नकारात्मक पेलाना समय में तो के वलण हतुं। अत्यारना समय में तो के आ नियम आपणे शुं करवो पड्यो तो के बदलावो पड्यो कि जो कोई कर्मचारी थोड़ोक मोड़ो आयो 5-10 मिनिट तो 5-10 मिनिट आपणे जती करी देवी पड़े अथवा तो 5-10 मिनिट केम मोड़ो आयो आपणे पूछी अने एक वार कही देवानुं भाई बीजी वार आ रीते आम थवू जोई नहीं, बीजी वार थशे तो तमारो भाई पगार के अथवा तो कोई दंड तमारे भोगवो पड़शे। तो अत्यारना समय में आ वलण शुं करवामां आव्युं तो के हकारात्मक एटले एक प्रकारनो आपणे नियम बनाव्यो एटले के आ संचालनना जे सिद्धांतो होय बराबर एक प्रकारना नियमो अनेक प्रकारना शुं हतुं के सिद्धांतो छे पण कोना माटे हतुं के मानवीना वर्तनने सारूं बनावा माटे जेथी करीने आपणे धंधाकीय ध्યેયને સરળ રીતે સિદ્ધ કરી શકીએ। તો આ તો એનો અર્થ બરોબર એમસીક્યુમાં અથવા એક વાક્યમાં પૂછી શકે। હવે આપણે જોશું એનો ખ્યાલ। તો કે સંચાલન એક કળા અને વિજ્ઞાન બંનેનો તો શું કહેવાય તો કે સમન્વય એટલે કે બંને જોડાયેલું છે। સંચાલનમાં કળાઈ છે અને તો કે વિજ્ઞાન પણ છે। જેમ વિજ્ઞાનમાં સિદ્ધાંતો હોય એ જ રીતે સંચાલનમાં પણ અમુક સિદ્ધાંતો છે। એ જ રીતે જેમ એક પ્રકારની બરાબર કળા વ્યક્તિમાં હોય એવી જ કળા તો કે સંચાલનમાં પણ છે। કારણ કે કળા બરાબર શું શીખવી હતી કે માનવી પાસેથી કઈ રીતે કામ આપણે મેળવવું અથવા તો અન્ય વ્યક્તિ પાસેથી આપણે કામ કઈ રીતે કઢાવું એના માટેની આવડત એટલે શું થયું તો એ કે કળા। એટલે આમ સંચાલન એ કળા અને વિજ્ઞાન બંનેનો સમન્વય છે। વિજ્ઞાન હોવાથી તેમાં સિદ્ધાંતો હોય છે તે સ્વાભાવિક છે બરાબર। વિજ્ઞાન જે શબ્દ આવે અહીંયા વિજ્ઞાનના તો કે સિદ્ધાંતો હોય એ સ્વાભાવિક બાબત છે। શુદ્ધ વિજ્ઞાનની માફક સંચાલનના સિદ્ધાંતો જડ નથી પરંતુ પરિવર્તનશીલ। શુદ્ધ વિજ્ઞાનની જેમ જે એના સિદ્ધાંતો હોય બરાબર એક પ્રકારના જડ હોય પણ સંચાલનમાં જે સિદ્ધાંતો હોય એ જડ નથી પણ કેવા હોય તો કે પરિવર્તનશીલ। જેમ આપણે જોઈએ તો કે ન્યૂટનનો ગતિનો નિયમ તો ન્યૂટનનો જે ગતિનો નિયમ હોય તો નિયમ એને જે ઘડ્યો ત્યારથી લઈને એમને જ છે એના આ નિયમમાં કોઈ પણ જાતનો પરિવર્તન કે ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી। સમય બદલાઈ ગયો કે ગમે બાબત બદલાઈ ગઈ પણ ન્યૂટનનો જે ગતિનો નિયમ હે જ્યારે એને ઘડ્યો ત્યારથી બાબત એમના જ છે એના નિયમમાં કોઈ પણ જાતનો પરિવર્તન થતો નથી। તો આ એક પ્રકારનું શુદ્ધ વિજ્ઞાન થયું એનું જે કે ન્યૂટનનો જે ગતિનો નિયમ એ કેવું થયું તો કે શુદ્ધ વિજ્ઞાન। તો આપણું જે સંચાલનના સિદ્ધાંતો હોય શુદ્ધ વિજ્ઞાનની માફક જડ નથી પણ એના સિદ્ધાંતો કેવા હોય તો કે પરિવર્તનશીલ। સમય સંજોગ પ્રમાણે આ સંચાલનના સિદ્ધાંતોમાં આપણે શું કરવું પડે હે પરિવર્તન કરવું પડે છે। સંચાલનના સિદ્ધાંતો માનવ વર્તન સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે તેથી જ સમયાંતરે તેમાં જરૂરી ફેરફાર કરી નવા સિદ્ધાંતોના ઉમેરાને અવકાશ રહે છે બરાબર। કે જે સંચાલનના આ સંચાલનના સિદ્ધાંતો હોય કોને લાગુ પાડવામાં આવે તો કે માનવીના વર્તન ઉપર એટલે કે સમય સમય આ સંચાલનના સિદ્ધાંતોમાં આપણે ફરજિયાત તો કે પરિવર્તન અથવા તો ફેરફાર કરવો પડે છે। જેમ આપણે જોઈએ તો કે પહેલાં તમે કોઈ બાઇક લઈને જતા બરાબર જેમ આપણે અત્યારે આપણે જે ટ્રાફિકના નિયમો અત્યારે તો કે કડક અને બહુ અતિ કડક બનાવી નાખ્યા। પહેલાં ટ્રાફિકના નિયમો તો એ થોડા હળવા હતા કે તમારી પાસે લાઇસન્સ હોય તો 500 રૂપિયાનો કેટલો દંડ કરવામાં આવતો, હેલ્મેટ નથી પહેરેલું તો કે 100-200 રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવતો પણ અત્યારે તો કે જોઈએ તો કે લાઇસન્સ નથી તો કે 2000નો દંડ બરાબર, હેલ્મેટ નથી પહેરેલું તો કે 1500 રૂપિયાનો દંડ, PUC ન હોય તો 500 રૂપિયાનો દંડ। અત્યારના જે ટ્રાફિકના નિયમો કેવા બનાવવામાં આવ્યા હોય તો કે કડક બનાવવામાં આવેલા છે। તો આ એક પ્રકારના સંચાલનના સિદ્ધાંતો થયા અને એ કોની સાથે સંબંધ ધરાવે તો કે માનવીના વર્તન સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને સમય સમય એમાં શું કરવું પડે તો એ કે ફેરફાર કરવો પડે છે। માનવ વર્તન અને ટેકનોલોજી એવા પરિબળો છે કે જેમાં સમયાંતરે બદલાતા રહે છે બરાબર। અત્યારની જે ટેકનોલોજી અને માનવીનું વર્તન સમય સમય શું થતું જાય તો કે બદલાયા રાખે, શરૂઆતમાં આવ્યું હોય ત્યારેનું વર્તન કેવું હોય, પછી લાંબા સમય સુધી પોતે અહીંયા કામ કરતો હોય ત્યારેનું વર્તન કેવું થઈ ગયું, બધી બાબતમાં તો કે શું થાય તો કે બદલાવ આવે છે। અને ટેકનોલોજી પહેલાંની ટેકનોલોજી અત્યારની ટેકનોલોજી તે બધી બાબત એટલે કે ટેકનોલોજી અને માનવીનું વર્તન બે બાબતમાં સમયાંતરે બદલાતા રહે છે। આ પરિવર્તનોને પહોંચી વળવા સંચાલનના સિદ્ધાંતોમાં પણ આપણે ફેરફાર કરવો પડે। આ પરિવર્તનને આપણે ત્યારે જ સિદ્ધ કરી શકશું કે જેના માટે આપણે સંચાલનના સિદ્ધાંતોનો પણ એમાં આપણે ફેરફાર કરવો પડે છે। સંચાલનના સિદ્ધાંતો નિર્ણય ઘડતર અને તેના અમલીકરણ માટેની
विस्तृत और चौक्स मार्गदर्शिका है। संचालन सिद्धांतों शू है तो कि कोईपण नियम घड़वो है अथवा तो यह नियम अमल कई रीते करव एनी प्रकार की एक मार्गदर्शिका एट्ले मार्गदर्शन पूरु पाड़े। फरी एक बार संचालन सिद्धांतों शू है तो कि एक प्रकार की मार्गदर्शिका है सेना माटे तो कि कोई एवं नवो नियम घड़वो है अथवा तो यम ने कई रीते अमल करव है एना मार्गदर्शन पूरु पाड़े। संचालन सिद्धांत अनुसार विविध प्रोत्साहनों द्वारा कर्मचारी की कार्यक्षमता में वधारो कर सकते। आ संचालन सिद्धांतों द्वारा कर्मचारी ने अपने शू मैं कि प्रोत्साहन मैसे प्रोत्साहन द्वारा जी काम करने जी क्षमता है काम करने क्षमता में आप शू कर तो वधारो कर सकिए छे। दाखला तरीके जो है तो कि कर्मचारी की बढ़ती अंगेना निर्णय नौकरी वर्ष ने आधारभूत गणवामां आवे छे। ज्यारे अन्य एकम में कर्मचारी तो कि कार्यदक्षता ने ध्यान लेने बढ़ती आपवामां आवे छे। हवे बे कंपनी एवी एक कंपनी शू करे तो कि एनी एक कंपनी है कर्मचारी ने वर्ष जोए छे कि कर्मचारी वर्ष बराबर 10 वर्ष सुधी काम करू तो एने बढ़ती आपो एटले कि एक स्टेप होदो ऊँचो आपो। अने ज्यारे बीजी कंपनी है ये कर्मचारी ने वर्ष नहीं जोती पण शू जोए छे तो कि एनु काम जोए छे कि आ कर्मचारी सारू काम करे है तो एने एक स्टेप होदो ऊँचो आपो बढ़ती आपो एटले कि आ सेना द्वारा आपणे करी शकशुं संचालनना सिद्धांतों द्वारा कि एक कंपनी है ये कर्मचारी बढ़ती माटे तो कि एना नौकरीना वर्षों की गणतरी करे अने ज्यारे बीजी कंपनी है बराबर कर्मचारी की बढ़ती माटे तो कि कर्मचारी काम की गणतरी करे छे तो आ सेना द्वारा शक्य बन से बढ़ती माटे तो कि संचालन सिद्धांतों द्वारा। संचालन सिद्धांतों तथा संचालन की प्रयुक्ति वच्चे भेद समझवो पण अत्यंत जरूरी है। आ संचालन सिद्धांतों और संचालन की प्रयुक्ति प्रयुक्ति एटले के प्रकार की युक्ति के प्रकार की कड़ा जो थाय एम कही तो कि संचालन सिद्धांतों और प्रयुक्ति आ बने वच्चे में शू है तो कि तफावत रहेलो छे ई पण समझवो अति जरूरी है। प्रयुक्ति के रीतों ध्येय सिद्धि माटे लेवामां आवेल विविध पगलाओनो समूह छे। याद राखजो के प्रयुक्ति कोने कहेवाय ध्येय सिद्धि माटे जी आपणे पगला एटले ध्येय सिद्धि माटे कोई पण आपणे जे नियमों के बधी बाबत घड़ी होय ए बधी बाबतनो समूह के जेने कहेवाय प्रयुक्ति एटले के ध्येय सिद्धि माटे लेवामां आवेल विविध पगलाना समूहने तो के प्रयुक्ति कहे छे। अने ज्यारे सिद्धांतो ए प्रयुक्तिओना अमल वक्ते लेवामां आवेला निर्णय अंगेनी मार्गदर्शिका छे एटले के सिद्धांतो है तो कि आपणे प्रयुक्ति एटले के आ जे नियमों के निर्णय होय एनो अमल कई रीते करवो एना माटेनुं मार्गदर्शन गुरु पूरु पाड़े छे तो कि संचालन सिद्धांतों पूरु पाड़े छे। प्रयुक्तिओनी जेम ज सिद्धांतों अने मूल्यों वच्चेनो पण भेद समझवो जरूरी छे। हवे अरे सिद्धांत अने मूल्य ए पण बे वच्चे शू हेतु के भेद है। मूल्य ए स्वीकारवा अथवा तो इच्छनीय होय छे अने ते नैतिकता साथे संबंध धरावे छे बराबर। मूल्य कोने कहेवाय मूल्यों अने सिद्धांतों आ बे वच्चे शू भेद है तो कि मूल्य एक प्रकार ने स्वीकार्य इच्छनीय एटले के अलग अलग कर्मचारी की इच्छा प्रमाण आ मूल्य तो कि अलग अलग होई शके ने एक प्रकार ना शू हेतु पोते तो कि नैतिकता साथे संबंध धरावे एटले के प्रामाणिकता साथे बराबर है। कर्मचारी की मान्यता विचारधारा ई प्रमाणे एनी
प्रामाणिकता तो कि जुदी जुदी होई सके एनी नैतिकता बराबर तो कि एनी नीति जुदी जुदी एक बधाई कर्मचारीओनी विचारधारा एक सामान होती नहीं तो माटे आनी नैतिक बाबत पण एक सरखी होती नहीं ई कोनी साथे संबंध धरावशे तो कि मूल्य साथे संबंध धरावे छे। अने ज्यारे सिद्धांतो हे ई मानवीना वर्तन माटेनुं सर्वसामान्य सत्य अथवा तो मार्गदर्शिका छे। एटले के जे सिद्धांतो हे एक प्रकारनी शुं हे तो ई के मानव वर्तनने कई रीते सामान्य बनावुं एना माटेनी एक प्रकारनी मार्गदर्शिका छे। तो आपणे आमां संचालनना ख्याल विशे जोयुं बराबर तो कि संचालनना सिद्धांतमां आपणे सौप्रथम प्रस्तावना जोई त्यार पछी एनो अर्थ जोयो अने पछी अत्यारे आपणे संचालनना ख्याल विशे जोयुं कि संचालन कड़ा अने विज्ञान बेनो तो कि समन्वय छे अने शुद्ध विज्ञाननी जेम संचालनना सिद्धांतो जड़ नथी परिवर्तनशील समय संजोगो प्रमाणे एमां फेरफार करवो पड़े छे। जेम मानवीनुं वर्तन अने टेक्नोलॉजी समय समय बदलाय छे एम संचालनना सिद्धांतो पण बदलावा पड़े छे। तो आ संचालन आटलू जो बाबत आम न समझाए प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जणावजो। थैंक यू, धन्यवाद।